फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अंजलीज एस पेट्स। सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप सभी ने जो प्यार हमें दिया है, आप सभी हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उन पे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। आज का DIY है ये जिराफ, जो कि मैंने एक प्लास्टिक की बोतल से बनाया है। आप सभी को प्लास्टिक की बोतल इजिली आपके घर पे मिल जाएगी। साथ ही मैंने इसमें यूज किया है वॉल पुट्टी, जो कि काफी रीजनेबल होती है। ये 10 रुपीज पर केजी आपको मिल जाएगी, तो काफी रीजनेबल मटेरियल है और आप इजीली इसको बना सकते हैं। अगर आप इसे मार्केट में कहीं लेने जाएंगे तो ये आपको 200 से 300 की रेंज में पड़ेगा, और घर पे आप इसको 30 से 40 की रेंज में बना सकते हैं। और जब हम कोई चीज खुद से बनाते हैं तो एक उसकी खुशी भी अलग होती है, और आप अपने आप जब किसी चीज को बनाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे और हमारे चैनल की भी तारीफ करेंगे। ठीक है, तो इसको आप बनाएं और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसको आप एज ए प्लांटर यूज कर सकते हैं, आप एज ए पेन होल्डर भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे यूज करना चाहें। जैसे मुझे प्लांट्स का शौक है तो मैं इसको एज ए प्लांटर यूज करने वाली हूँ। तो चलिए, अब इसको बनाना कैसे है इसके लिए आपको देखनी होगी मेरी वीडियो। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ये बनाना कैसे है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम वॉल पुट्टी का डो बनाएंगे। उसके लिए थोड़ी सी वॉल पुट्टी लेकर उसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वॉल पुट्टी अगर ज्यादा ड्राई हो रही है तो उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा अच्छा सा डो तैयार हो जाए। और ये देखिए, एक सॉफ्ट डो तैयार है। अब हम एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे, इस प्लास्टिक की बोतल को मैंने कट कर लिया है और अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब हम वॉल पुट्टी का डो लेकर उसकी पतली पतली लेयर बनाएंगे। हाथों की मदद से पतली पतली लेयर बना के उन लेयर्स को प्लास्टिक की बोतल के ऊपर पेस्ट कर देंगे। लेयर्स को पेस्ट करने के लिए मैंने पानी लगाया है। इसके लिए हमें किसी फेविकोल की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी की मदद से आप लेयर्स को आसानी से बोतल के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। पूरी बोतल को वॉल पुट्टी की लेयर से कवर कर देना है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर फिनिशिंग दे। जिराफ की नेक बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करेंगे। फॉयल पेपर को गर्दन की शेप दें।
अब हम फिर से वॉल पुट्टी का डो लेकर उसकी लेयर बनाएंगे और उसको नेक के ऊपर पेस्ट कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से नेक के ऊपर वॉल पुट्टी की लेयर लगाएं। थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर उसको अच्छे से फिनिशिंग दें। पूरी गर्दन को डो से कवर नहीं करना है, नीचे का थोड़ा सा पार्ट खाली छोड़ना है ताकि गर्दन को चिपकाने में आसानी रहे। नाइफ की मदद से थोड़ा फिनिशिंग देंगे। पॉट के किनारों पे हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी लगाई है ताकि गर्दन को चिपकाने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाए और गर्दन आसानी से चिपक जाए। जिराफ के पैर बनाने के लिए भी हम वॉल पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे। जिराफ के पैर बनाकर हम उनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब ये देखिए जिराफ की नेक जो है वो ड्राई हो चुकी है। अब वॉल पुट्टी की मदद से हम उसको पेस्ट करेंगे। थोड़ा पानी लगाएंगे, थोड़ा सा वॉल पुट्टी लगाकर उसके ऊपर गर्दन को पेस्ट कर देंगे। ज़्यादा सी वॉल पुट्टी लगाकर जिराफ की गर्दन को मजबूती से पेस्ट कर देना है। अब जिराफ के पैर को पेस्ट करेंगे जो कि ड्राई हो चुके हैं। उसके लिए भी हम वॉल पुट्टी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी थोड़ी वॉल पुट्टी लेंगे और उसकी मदद से पैर को पेस्ट कर देंगे। जिराफ के पैरों को पेस्ट करने के बाद हम उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे ताकि गर्दन और पैर दोनों ड्राई हो जाएं। और ये देखिए गर्दन और पैर ड्राई हो चुके हैं। अब हम जिराफ के मुंह को शेप देंगे। उसके लिए हम थोड़ी सी वॉल पुट्टी और लगाएंगे और अच्छे से गर्दन को और मुंह को शेप दे देंगे।
जिराफ को ड्राई होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम जिराफ के ईयर्स बनाएंगे। ईयर्स को सपोर्ट देने के लिए मैंने कॉटन का इस्तेमाल किया है। गोल पुट्टी से जिराफ की आईज बना देंगे। जिराफ के हॉर्न्स को भी पेस्ट कर देंगे। अब हम जिराफ को ड्राई होने के लिए रख देंगे। फिनिशिंग देने के लिए मैंने सैंड पेपर का इस्तेमाल किया है। हमारा जिराफ रेडी हो चुका है। अब हम इसको कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैं एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कलर करने के लिए आप भी एक्रेलिक कलर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कलर वाटरप्रूफ होते हैं। साथ ही एक्रेलिक कलर आपके पोर्ट को एकदम ओरिजिनल लुक देंगे। इनमें एक अच्छी शाइन होती है। ये देखिए पूरे जिराफ को मैंने येलो कलर से पेंट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ब्लैक पेंट से डिजाइन बनाएंगे। और ये देखिए बेहद ही खूबसूरत दिखने वाला जिराफ तैयार है। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।